अब ग्रैंड आरपी में बहुत से पैसे कमाने के तरीके हैं एंड पिछले वीडियो में शायद मैंने वही 5 तरीके बताए थे कि कैसे आप जल्द से जल्दी पैसे कमा सकते हो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट तरीके से कैसे पैसे कमाए जाए, यानी कि बहुत ही कम टाइम में या फिर कोई ना मेहनत करके। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई आप GTA ऑनलाइन में कैसे हम एक एक डेढ़ डेढ़ दस दस मिलियन एक मिलियन एक दिन में कमा लेते। वैसे ग्रैंड आरपी का भी कुछ बताओ, हाँ तरीका है इसका भी, आप जो है वो 10-10 मिलियन एक दिन में कमा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी है वो, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखना, आपके मज़ा आएगा आपको ये वीडियो देख के एंड आप भी जो है वो लगेगा कि आप भी जो है वो ये सारी चीज़ें करो। लेकिन अगर आपने हमारी फैमिली ज्वाइन नहीं की तो यार इंग्लिश सर्वर 1 में हमारी फैमिली ज्वाइन करो, आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, हाउस नंबर 70 है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज बीन स्पॉन्सर्ड बाय ग्रैंड आरपी, एंड अगर आपने ग्रैंड आरपी ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो ग्रैंड आरपी के लिए। कंप्लीटली फ्री सर्वर है, बस आपकी एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो है लेजिट GTA 5 की कॉपी, यानी कि क्रैक वाला वर्जन यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। तो आपको स्टीम, एपिक गेम्स या फिर रॉकस्टार लॉन्चर से एक गेम खरीदना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो, या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि सस्ते में आपको जो है वो कोड दे दी, रॉकस्टार लॉन्चर से आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं हम सबसे पहले तरीके की। तो सबसे पहले तरीका ये है कि भाई आपको रिस्क लेने के लिए डाइस खेलना पड़ेगा। ठीक है, अब डाइस से आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो या फिर आप कंप्लीटली बर्बाद हो सकते हो। अब ये जो है वो कम्प्लीटली गैम्बलिंग कह सकते हैं हम ग्रैंड आरपी की, इसको जो है वो गैम्बलिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डाइस कहाँ पे मिलेगा, आपको जो है वो किसी भी जो है वो 24/7 स्टोर पे जब आओगे तो यहाँ पे शो प्रोडक्ट्स में जब आप जाओगे तो लास्ट में जो है वो एकदम लास्ट में नहीं बीच में जो है वो आपको एक डाइस मिलेगा। तो ये डाइस 1000 का जो है वो एक मिलता है। अब ये डिपेंडिंग ऑन द स्टोर, अलग अलग स्टोर में इसकी अलग अलग प्राइजेस हो सकती है। ठीक है, अब मेरे पास 77 डाइस पड़े हुए हैं क्योंकि मुझे ये बैटल पास से मिले थे। तो अगर आपको डाइस खरीदने तो आपको 24/7 स्टोर जाना पड़ेगा, मेक श्योर कि वो स्टोर जो है वो लो पे रखा हुआ, यहाँ पे प्राइस पर गुड्स पे, यहाँ पे इस बंदे ने मैक्स कर रखा है। तो यहाँ पे जो है वो अगर आपको डाइस खेलनी है तो ये बस आपको यूज करना है। एंड यहाँ पे आपके इसके राइट साइड में देखेगा टू प्ले विथ द मैन बिसाइड, यानी कि दूसरे प्लेयर्स के साथ आप खेल सकते हो, नहीं तो आप सर्वर के साथ भी खेल सकते हो, बस उस बटन को टॉगल करना है, वो सर्वर के साइड पे हो जाएगा एंड सर्वर के साथ आप जो है वो खेल सकते हो। अब राइट साइड में यहाँ पे प्लेस अ बेट होगा, तो यहाँ पे मैं 500 की बेट लगा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं हार गया, तो आप नीचे देखो मेरा नाम है, नाम के नीचे जो है वो मेरे हाथ में कितना कैश है वो है। तो यहाँ पे मैं 500 हार गया। अब वापस जब अगर मैं 1000 की बेट लगाऊँ तो यहाँ पे जो है वो मैं 1000 वापस से हार गया था, क्योंकि इसमें जो है वो कम्प्लीटली लक का गेम है ये, एंड आप कितने लकी हो, लाइक बहुत सारे बंदे इससे बहुत सारे पैसे कमाते हैं क्योंकि लक कभी कभी की जो है वो काम कर जाता है। आप बहुत बड़ी अमाउंट खेल सकते हो, 5 मिलियन 1 मिलियन 2 मिलियन, पता नहीं 5 मिलियन मैंने कभी खेलते देखा नहीं, लेकिन बहुत सारी एड्स देखी है मैंने 1-1 मिलियन की जो है वो डाइस लगाते हैं। इसकी भी शायद लिमिट है, शायद 1 मिलियन की ही लिमिट होगी, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं है, बट हाँ इससे मैंने अराउंड 300-400 के जो है वो कमाए हैं। एक टाइम पे मैंने जो है वो 100 के लगा दिए थे। तो ये जो है वो रिटर्न में आपको, अगर आप जीत जाते हो तो रिटर्न में आपको जो है ये उसका डबल अमाउंट दे देता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 6000 लगाया तो मेरे 6000 चले गए, अगर मैं जीत जाता तो मुझे और 6000 मिलते एंड जो मैंने इन्वेस्ट की थी पैसे वो भी मुझे रिटर्न मिल जाते हैं। तो इस तरीके से डाइस काम करता है, हर बार यूज़ करने के बाद जैसे लॉटरी टिकट आप यूज़ करते हो वैसे ही एक एक डाइस जो है वो कम होते रहता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की स्ट्रैटर्जी है, बहुत सारे बंदे आप जो है मतलब बर्बाद हो सकते हो इसमें। अगर आप 1 मिलियन की लगाते हो तो आपको 1 मिलियन आपके अगर जीत जाते हो तो 1 मिलियन जो है वो आपको वापस मिलेंगे, प्लस जो है वो आपको जिस बंदे जो बंदा हारा है, या तो आप सर्वर के साथ खेलो या फिर किसी एक बंदे के साथ खेलो, तो अगर सामने वाला बंदा हार जाता है तो आपको जो है वो उसके 1 मिलियन मिल जाएंगे। तो यानी कि भाई आप 1 मिलियन का सीधा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये एक सबसे पहला तरीका है पैसे कमाने का शॉर्ट टाइम में, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट हाँ। सेकेंड तरीका है यहाँ पे स्लॉट मशीन। अब स्लॉट मशीन कसिनो में, आई डोंट नो, अगर आप पाकिस्तान से हो तो शायद आपके कंट्री में ये बैन हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में कसिनो गैम्बलिंग ये सारी चीज़ें बैन है। तो मे बी आई डोंट नो कि वहाँ पे एक बैन है क्या नहीं, बट यहाँ पे कसिनो से आप पैसे कमा सकते हो। कैसे, अब यहाँ पे मैं $10 की जो है वो बेट लगा रहा हूँ। अब कसिनो की एक अलग करेंसी है चिप्स की, तो आपको वो चिप्स बाय करने पड़ेंगे रिसेप्शन से, वहाँ से आप चिप्स बाय कर सकते हो एंड यहाँ पे जो है वो आप बेट लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं 10-10 चिप्स की बेट लगा रहा हूँ। आपको अगर ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, बहुत बेट्स भी लगा, बड़ी बेट भी लगा सकते हो, क्योंकि बड़ी बेट लगाने पे अगर बाई चांस आपका जैकपॉट लग गया, यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड पे ऊपर देख सकते हो आप टॉप पे कि यहाँ पे जैकपॉट लिखा हुआ है 3 sevens, जब ये स्लॉट मशीन में 3 7 आएंगे तो फिर आपको जो है वो जैकपॉट लगेगा, आपकी बेट जितनी बड़ी होगी आपको उतना बड़ा प्राइज मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 10-10 की लगा रहा हूँ, तो यार कोई अगर मुझे जैकपॉट भी लग जाता है
तो वो कुछ ज़्यादा मतलब पैसे नहीं होने वाले। तो इसलिए अगर आपको शॉर्ट टाइम में पैसे कमाने हैं, शॉर्टकट में पैसे कमाने हैं, तो यही ऐसी चीज़ें ही मिलेंगी आपको जिसका रिस्क बहुत ज़्यादा है एंड रिवॉर्ड भी उतना ही है। बट अगर आप कहीं पे फेल हो जाते हो इन सारी चीज़ों में तो बहुत पैसा बहुत लूज़ करने वाले हो आप। सो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो वो ज़रा सोच समझ के ही करना। यहाँ पे आप देखोगे मुझे जैकपॉट लग गया है, मुझे 150 जो है वो चिप्स और मिल गई। अगर मैं ज़्यादा अमाउंट लगाता 10 चिप्स की जगह तो मे बी जैकपॉट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे जीत गए तो यहाँ पे रिसेप्शन पे आके चिप्स को जो है वो $90 पर चिप बिक जाती है। एंड अगर आपको खरीदना है तो $100 की एक चिप मिलती है। तो इस तरीके से ये तो हो गया सेकंड जो है वो तरीका जिससे कि आप जो है वो शॉर्टकट तरीके से पैसे कमा सकते हो ग्रैंड आरपी में। नेक्स्ट है रॉबिंग। अब यहाँ पे हो रही है गेटो क्लैपिंग। आप देख सकते हो ब्लड्स के बंदों को हम मार रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं रॉब हो गया, ठीक है, क्योंकि ब्लड्स एक काफी पावरफुल गैंग है, काफी सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे हमने जो है वो तीन बंदों ने मिलकर यहाँ पे 5-6-7-8 बंदों को जो है वो मतलब लिटा दिया था कंप्लीटली। फाइनली उनका बैकअप आ जाता है, बहुत सारे बंदे आ जाते हैं एंड वो हमको रॉब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो रॉबिंग एक काफी अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, बिकॉज इससे आपको गन्स नहीं मिलती प्लस आपको जो है वो बहुत सारा कैश भी मिलता है, क्योंकि आप लोगों को जो है वो लूट सकते हो। अब ये बंदा जो है वो मुझे रॉब कर रहा है, देखना अभी ये जो कुछ खींचने वाला ऐसा एनिमेशन करेगा इसका मतलब ये मेरे पैसे लूट रहा है। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो ये 5-6 हज़ार ही मेरे से लूट पाया, लेकिन बहुत सारे बंदों के पास जो है वो बहुत सारे पैसे होते हैं, तो एट अ टाइम आप जो है वो 50,000 ही रॉब कर सकते हो, ठीक है। तो रॉबिंग से आप ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मतलब बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन रॉबिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आपको जो है वो गैंग में रहना पड़ता है, गैंग में आपको चांस मिलना पड़ेगा या फिर एक कोई अनऑफिशियल फैमिली ज्वाइन कर लो। हम बहुत जल्दी अनऑफिशियल होने वाले हैं बाय द वे, तो आप हमारी फैमिली भी ज्वाइन कर सकते हो। अब लास्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा वो है स्क्रैप मेटल फार्मिंग। अब हर घंटे के 15 मिनट, एक मतलब 6:15, 7:15, 15 मिनट पे जो है वो स्क्रैप आता है। अब मोस्टली ये जो पहाड़ देख रहे हो फार्म वन के पीछे, यहाँ पे बहुत सारा स्क्रैप मिलता है, पूरे पहाड़ पे होता है, आगे पीछे जो है वो पलिटो साइड भी आपको जो है वो बहुत सारा स्क्रैप मिलेगा। अब दिक्कत है कि एक घंटे में आप सिर्फ जो है वो 3 बार स्क्रैप उठा सकते हो, मतलब 3 कोई भी चीज़ें उठा सकते हो, तो दिक्कत यही है। नहीं तो अगर पहले जो है वो शायद से अनलिमिटेड था पहले, आप कितनी भी चीज़ें उठा सकते, बाद में इन्होंने कैप कर दिया उसको भी, तो यहाँ पे जो है वो आप 3 ही टाइम मतलब 1 घंटे में 3 ही स्क्रैप उठा पाओगे। तो उस 1 घंटे में आप जितना भी स्क्रैप उठा पाओ उतनी आप उठा सकते हो, बिकॉज स्क्रैप जो है वो महंगा बिकता है। नेक्स्ट चीज़ है आप उसको आर्मर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपको क्रिएशन मेन्यू में जाना है, वहाँ पे आर्मर प्लेट मिलेगी आपको अदर में, वहाँ पे आर्मर प्लेट्स अगर आप बनाते हो और वो एक ही स्क्रैप मेटल से बन जाती है, अगर आप बना लेते हो तो आप जो है वो फाउंड्री जाके और भी ज़्यादा जो है वो आर्मर्स बना सकते हो एंड आप उनको जो है वो फिर ब्लैक मार्केट में बेच सकते हो। तो ये है एक चीज़ मतलब पैसे कमाने, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको बिकॉज बहुत सारे बंदे होते हैं यहाँ पे, आपको वार्निंग भी देंगे कि भाई लीव द एरिया बिकॉज आई एम हियर टू कलेक्ट द स्क्रैप। तो यहाँ पे 4-5 बंदे लेके जाओ अपने जो रिलायबल हैं आपके साथ, जो है वो अच्छी खासी बनती है उनकी, तो आप उनको लेके जा सकते हो। आपका ख़त्म होने के बाद जो है वो बंदे उठाएंगे, लाइक आपने अगर 3 बार उठा लिया तो वो उठाएंगे उस घंटे में ही, तो आपको वो जो है वो मेटल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो बैक एंड फोर्थ आप कर सकते हो। ये एक तरीका है भाई शॉर्टकट में पैसे कमाने का। और एक बोनस मैं आपको बताऊंगा वो है बैटरीज अगर आप लगाते हो तो 5 घंटे तो आपको रुकना ही पड़ता है। अगर आप बहुत सारे सोलर पैनल लगाते हो तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, नो डाउट, वो एक चीज़ हो गई। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर किसी ने ऐड डाला कि भाई हम जो है वो सोलर पैनल लगा रहे हैं आप आ जाओ, तो वहाँ पे जाओ आपको 10-12 हज़ार जो है वो एक सोलर पैनल के मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद 2-4 बैटरीज लगाते हो दिन में तो आप जो है वो 40,000-50,000 में एक बैटरी बेच सकते हो। लेकिन दिक्कत वही है कि आप जो है वो उसको रिपेयर करना पड़ेगा बार बार। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, इतनी ही है लाइक शॉर्टकट बहुत कम है ऐसी चीज़ें जिससे कि आप पैसे कमा। एक तो बहुत अच्छा शॉर्टकट है वो है ग्रैंड कॉइन्स से, ग्रैंड कॉइन्स आप बाय कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप जो है वो क्रेट खोल के पैसे कमा सकते हो। ये तो सबसे शॉर्टकट का भी शॉर्टकट हो गया, अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है वो ज़रूर कमा सकते हो। एंड बहुत सारे लोग मुझे बताए कि स्टीम से कैसे भाई ग्रैंड कॉइन्स बाय करने, मैंने उसको फिगर आउट कर लिया है एंड मैं मे बी नेक्स्ट या उसके अगले वाली वीडियो जो है वो उसी पे डालूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियोज जो है वो मिलती रहे इन द फ्यूचर। मिलते गाइस आपसे अगली वीडियो में।